आम आदमी पार्टी की शूट एंड स्कूट एक पुरानी पॉलिसी है। ये असत्य का सहारा लेते हैं, कोई भी झूठा मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे बार बार लगाते रहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस बार तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पैराग्राफ 25 ऑफ द ऑर्डर जरूर पढ़िएगा, उसमें तो लिखा गया कि एक एक बात जो उन्होंने कही है स्क्वेयरली एक डेफिमेटरी स्टेटमेंट है, यानी मान आदमी का मुकदमा प्राइमा फेसी जरूर बनता है। हमारे साथ बात करने के लिए बांसु स्वराज मैम, लगातार देखा जाता था कि आम आदमी पार्टी हमेशा ऑपरेशन लोटस का करता था, लेकिन इस बार ऑपरेशन लोटस आतिशी को वो कोर्ट तक ले गया है। जी बिल्कुल, ये देखिए आम आदमी पार्टी की शूट एंड स्कूट एक पुरानी पॉलिसी है। ये असत्य का सहारा लेते हैं, कोई भी झूठा मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे बार बार लगाते रहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस बार तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पैराग्राफ 25 ऑफ द ऑर्डर जरूर पढ़िएगा, उसमें तो लिखा गया कि एक एक बात जो उन्होंने कही है स्क्वेयरली एक डेफिमेटरी स्टेटमेंट है, यानी मान आदमी का मुकदमा प्राइमा फेसी जरूर बनता है, और इसीलिए उनको 29 जून को समन करा गया है। मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के लीडर उसको कि यदि आपको लगता है कि आप असत्य का सहारा लेके कोई भी मनगढ़ंत स्टेटमेंट कर देंगे और उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, तो ये सरासर गलत है, आपकी जवाबदेही बनती है। मैम ये बताइए कि पहले लगातार काफी टाइम से लगाते रहते, लेकिन इस बार बीजेपी ने सोचा कि नहीं इस बार जरूर काफी ज्यादा हो गया, इस बार जरूर लाना चाहिए, क्या सोचा, क्या स्ट्रेटजी? इस बार नहीं, हर बार। आपको याद होगा इन्होंने 27 जनवरी को भी एक बहुत ही डेफिमेटरी ट्वीट इन्होंने करा था, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने 30 जनवरी को एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, जिसमें माननीय मंत्री आतिशी जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच में जुड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को इन्होंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर माननीय आतिशी जी ने फिर से बहुत मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे लगाए, बेबुनियाद बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाए, और इन दोनों के चलते हुए आज ये ऑर्डर आया है। अगला कदम मैम क्या होगा? चीजें इनकी जवाबदेही बनती है, 29 को इनको आना पड़ेगा, कचहरी में के समक्ष आना पड़ेगा और अपना जवाब देना पड़ेगा। देखिए इस तरह आप बार बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते, इस देश में एक न्याय प्रणाली है और आपकी जवाबदेही बनती है, तो इनको कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए वांसु स्वराज जी, जिन्होंने कहा है कि अब आम आदमी पार्टी आतिशी की जवाबदेही बनती है, क्योंकि लगातार वो ऑपरेशन लोटस कहती आ रही थी, लेकिन अब उनको जवाब देना होगा। कैमरामैन वसीम खान के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।